यहाँ प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन अफसोस है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, इतनी की संख्या पत्रकार मित्र यहाँ पर हैं कि हमारे पास आप लोगों को बैठाने के लिए जगह ही कम पड़ गए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा खड़े खड़े ही इस बात को कर रहे हैं आपके समक्ष। इसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि बड़े समय से आप लोगों को राज्य में हो रहे तो राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के नाम को लेकर आप चिंतित हैं और काफी जिज्ञासा आप में है कि सत्तारूढ़ दल किस प्रत्याशी को दे रही है। इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि राज्य में सरकार गठबंधन के सहयोग से सरकार चला रही है और इस संदर्भ में पार्टी के अंदर जो विचार विमर्श आया, जो बातें हुई हम लोगों की, इन बातों के साथ मैं दिल्ली भी गया। दिल्ली में आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी बात हुई और यहाँ की पूरी वास्तविक स्थिति की से उनको अवगत कराया। और उनकी बातों को लेकर मैं पुनः पार्टी सुप्रीमो आदरणीय गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुआ और दिल्ली की जो बातें थी उन सभी बातों को उनके समक्ष रखा और अंत में इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। आदरणीय गुरुजी के आदेशानुसार, सहमति के अनुरूप अभी आपके सामने राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी का नाम मैं बताने जा रहा हूं। आदरणीय गुरुजी की सहमति से विभिन्न और कई लोगों की प्रत्याशी के रूप में लोगों पर विचार हुआ और अंत में आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ मांझी जी होंगे और अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।